शैम्पू के पहले इस तरीके से अपने पूरे बालों पे एलोवेरा जेल लगा लें। आपके बाल बेहद खूबसूरत, लंबे, घने, मुलायम हो जाएंगे। दोस्तों, बालों में जो खोई हुई चमक होती है, बाल अगर बेजान हो चुके हैं, बिल्कुल दो मुहे बाल है, तो आपके बाल बिल्कुल खूबसूरत, सुंदर, घने, मुलायम हो जाएंगे। बाल बेहद लंबे हो जाएंगे। दोस्तों, बहुत ही सिंपल और इजी सा तरीका आज बताऊंगी कि आप किस तरीके से एलोवेरा जेल को अपने बालों में लगा सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके का एलोवेरा का टहनी होता है जो कि आप काट करके लेके आते हो। जब आप काटते होंगे तो वहाँ पे देखिएगा, बहुत ही जल्दी उसमें से येलो येलो टाइप का लिक्विड निकलने लगता है। तो उस वाले लिक्विड का आपको आराम से वॉश कर लेना है, धो लेना है और उस वाले पार्ट को काट करके हटा दे, क्योंकि वो जो उसके अंदर के से जो लिक्विड निकलता है वो थोड़ा सा चिपचिपाहट की वजह से आपको इरिटेशन वगैरह भी दे सकता है, इचिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए उस वाले पार्ट को काट के हटा दे। उसके बाद साइड से आपको इस तरीके से कांटा वाला पार्ट होता है, उसको भी आपको इस तरीके से काट लेना है। दोस्तों, एलोवेरा जो है गुणों का भंडार होता है। एलोवेरा के पौधे हमेशा आपको अपने घर में रखना चाहिए। एलोवेरा का इस्तेमाल आप अपने बालों के लिए कर सकते हैं, आप अपनी स्किन की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं, आप चाहें तो आप अपने रंग के निखारने के लिए भी कर सकते हैं। दोस्तों, बालों की ग्रोथ में तो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है एलोवेरा जेल। बालों में खोई हुई चमक को लेके आता है, बेरुखे बेजान बाल हो चुके हैं, उसमें एलोवेरा जेल इस तरीके से हेल्प लगा सकते हैं। तो दोस्तों, एलोवेरा जेल निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है बहुत सारे लोगों के लिए, तो यहाँ पर मैं बहुत ही ईजी सा सिंपल तरीका बताऊँगी कि किस तरीके से आप एलोवेरा के जेल को, इसके जो पल्प होते हैं, उसको निकाल सकते हैं। छोटा सा एलोवेरा का पौधा का जो टहनी होता है वो ले लें, उसमें आपको ऊपर का छिलका, मैंने आपने देखा, मैंने पील करके चाकू की मदद से हटा दिया। अब ये जो कट मैंने लगाया है, इस वाले कट को बिल्कुल इस तरीके से आपको बहुत ही बारीक बारीक कट लगा देना है चाकू की मदद से, और उसके जितना अच्छे से आप लगा सकते हैं उतना ही पतला इसका जो है निकलेगा, जो पल्प है वो निकलेगा। आपको अलग से ग्राइंड वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद एक चम्मच ले, चम्मच की मदद से आराम से देखिए कितना ईजिली जो है ये जो है एलोवेरा का जेल आराम से निकल चुका है। दोस्तों, बिना आपके हाथ को गंदा किए ही इस तरीके से आप आराम से एलोवेरा के पल्प को निकाल सकते हैं, एलोवेरा के जेल को निकाल सकते हैं। और उसके बाद ये देखिए कितना ज़बरदस्त, कितना बढ़िया, एकदम जो है बढ़िया वाला। उसका चाकू की मदद से इस तरीके से करिएगा तो बहुत ही बारीक बारीक सा कट जाएगा। और अगर आपके पास छोटा सा ग्राइंडर जार है तो उसमें भी डाल के इसको आप आराम से ग्राइंड कर सकते हैं, प्योर और फाइन बना सकते हैं। उसका दोस्तों मार्केट वाला एलोवेरा जेल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट जो होता है ना, वो कोशिश कर लेने का। मार्केट में बहुत सारे एलोवेरा जेल मिलते हैं, लेकिन जो क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट बिना किसी कलर और फ्रेगनेंस को ना, वो ले। उसके बाद दोस्तों, हमने जो पौधा वाला एलोवेरा जेल बनाया था उसको मैंने कटोरी में डाल दिया है। आपको यहाँ पर लेना है कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल। दोस्तों, हमारे बालों की ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, हमारे बालों को नरिश करता है, हमारे बालों की खूबसूरती को बढ़ाता है। जब उसको हम एलोवेरा जेल में मिक्स कर देंगे तो वो और भी ज़्यादा फायदेमंद हो जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पे तीसरी सामग्री लेनी है, ये हमारा कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल आपके बालों की ग्रोथ के लिए बूस्टर का काम करेगा, कि बूस्टर यानी कि जब भी आपको भी नारियल का तेल लगाते हैं उसमें एलोवेरा जेल लगा दो, डाल दो, और उसमें फिर थोड़ा सा डाल दो, चौथाई चम्मच आपका कैस्टर ऑयल यानी अरंडी का तेल, एकदम आपका बाल 10 गुना से 100 गुना की स्पीड से बढ़ेगा। दोस्तों, बहुत ही फायदा, बहुत ही जल्दी करता है। ये देखिए किस तरीके से बढ़िया वाला एलोवेरा जेल हमारा निकल चुका है। ये से थोड़ा सा आपको लग रहा होगा चिपचिपाहट वाला है, अगर आप इसको गर्म करोगे तो ये भी नहीं रहेगा, बिल्कुल टूट जाएगा और बहुत ही बढ़िया फॉर्म में आ जाएगा। छोटा सा ग्राइंडर जार हो तो उसमें ग्राइंड कर ले जेल निकालने के बाद, और बहुत ही बढ़िया जेल निकल जाएगा। जेल आप ज़्यादा से ज़्यादा बना करके स्टोर करके रख सकते हैं फ्रिज में बाद के इस्तेमाल के लिए। तो इस तरीके से दोस्तों आपको पूरे बालों पे लगा लेना है। हमारे बालों से, जड़ों से जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है उसको दूर करने में हेल्प करता है एलोवेरा का जेल। उसके साथ साथ ही हमारे बालों के रफनेस को दूर करता है, ड्राइनेस को दूर करता है, हमारे बालों को कंडीशनिंग देता है। दोस्तों, हमारे बालों की खोई हुई चमक वापस लेके आता है और हमारे बालों की ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है एलोवेरा का जेल। तो दोस्तों, एलोवेरा का जेल आपको पूरे बालों पर इस तरीके से लगा लेना है। बिल्कुल ये ना सोचे कि बाल बहुत ज़्यादा गंदे लग रहे हैं, कुछ भी, आराम से इसको आप लगाइए और फिर लगा करके पूरे बालों में 15 से 20 मिनट तक ज़रूर से ज़रूर अपने स्कैल्प को मालिश करें। मालिश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि जो एलोवेरा के जेल के फ़ायदे हैं वो आपकी जड़ों को भी मिले और इसके साथ साथ ही पूरे सिरों को भी मिले। इस तरीके से आपको बाल को अच्छे से 15-20 मिनट तक मालिश दे बालों को, उसके बाद अच्छे से बाल को इस तरीके से फोल्ड कर ले, पोनी बना ले या फिर बन बना ले, और फिर उसके बाद 2 घंटे आपको रखना है, मिनिमम 2 घंटे, मैक्सिमम आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम भी रख सकते हैं।
और उसके बाद क्या करना है फ्रेंड्स, आपको नॉर्मल शैम्पू से जो कि बिना केमिकल वाले शैम्पूज होते हैं उससे वॉश शैम्पू करें, जो भी आप लगाते हैं कोशिश करें बिना जो केमिकल वाले होते हैं, बिना कम केमिकल वाले वैसे शैम्पू लगाएं जो कि आपके बालों के लिए और भी ज़्यादा अच्छा हो। मैं लिंक सभी के डिस्क्रिप्शन में डालती हूँ। जो भी मैं शैम्पू या प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ आप भी ट्राई करिए, आपको भी बाल बिल्कुल मेरे जैसे सुंदर खूबसूरत और लंबे हो जाएंगे। फ्रेंड्स ट्राई जरूर करिए, वो बहुत ही इफेक्टिव नुस्खा है। एलोवेरा जेल और फिर कैस्टर ऑयल को मिलाकर के बनता है, ये आपके बालों को बहुत ही सुंदर और खूबसूरत बना देगा। ट्राई कीजिए और हमें बताइए कमेंट्स करके कि आपको कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।